बलराम ये अपना नंदू भाई कहाँ है? नंदू भाई है, पता नहीं, आए नहीं आप अभी तक? नहीं नहीं देखा नहीं यहाँ? नहीं, जब देखो तब डराते रहते हैं, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। किसी भोला भैया अरे झूठे ग्लास रखे हैं आप, कम से कम इनको तो हटवाइए, आदमी कहाँ पे बैठे? ग्लास? अरे किशोरी सब कुशल मंगल तो है ना, आप पहले यहाँ पे आके बैठो, आपको ही ढूंढ रहा था मैं। हाँ बोलो क्या बात है? एक बात बताइए आपको, आप परम भावकाली आदमी, यहाँ बैठ के हम सबको डराते रहते हो। मैं अभी डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर के पास? सब ठीक तो है ना? हाँ बोला मामूली खांसी है, ठीक हो जाएगी। तो फिर दवा करवाओ, इतने बौखलाए हुए क्यों? आपकी सुनते ना तो कल्याण हो जाता हमारा। आपने बोल दिया कि खांसी मतलब कैंसर, हमें तो लगा कि हमारी तो जिंदगी चली गई। आपको मालूम है कि जल्दबाजी के चक्कर में हमने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी पैसों के लिए। अरे किशोरी भाई बात सुननी है ना तो पूरी सुनो वरना ना सुनो। भाई हमने कहा था लक्षण दिखने का ये मतलब नहीं है कि कैंसर ही होगा, बल्कि हमने कहा था कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, और तुम तो विदाउट सुने ही चल दिए हैं, तो अब भुगतो। अरे बोलू दो चाय देना। अरे मुझे कोई चाय नहीं पीनी। अरे मामला गरम है, दे दो। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल फालतू में बेच दी क्या? हाँ हाँ लो पहले चाय पियो। हाँ और आप भी एक पते की बात सुन लो। अरे क्या पते की बात? ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ, समझा? कैंसर से आगे रहने के लिए लक्षण दिखाई देने तक रुकने की जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब भैया अब लक्षण के बिना ही पता चल सकता है? हाँ बिल्कुल। अरे वाह। स्क्रीनिंग के जरिए। क्या स्क्रीनिंग? इधर आओ बताते हैं। आओ ये देखो बैठो। स्क्रीनिंग एक ऐसी जांच है जो कैंसर के लक्षण देखे बिना ही कैंसर को पकड़ लेती है, और इसके लिए बाइक बेचने की जरूरत नहीं है, सस्ते में हो जाता है। पर भैया अगर हमें कोई लक्षण ही ना हो तो हम फालतू में क्यों बीमारी मोल लें? नहीं ऐसी बात नहीं, अगर कैंसर को जल्दी पकड़ लिया जाए ना तो इलाज में भी आसानी होती है और उसका फायदा भी बहुत होता है। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये जो स्क्रीनिंग आपने बताई ना ये तो बड़े बड़े अस्पतालों में होती है और उसके लिए ढेर सारा पैसा लगता है। नहीं अरे नहीं नहीं भैया, अपनी वो ललिता है ना गांव वाली। हाँ। वो कह रही थी कि उनके गांव में स्क्रीनिंग वाले आए थे और बहुत कम समय में सब कुछ हो गया, ना ज्यादा वक्त बर्बाद हुआ और ना बहुत दूर जाना पड़ा। अच्छा लेकिन वो नंदू भैया वो कह रही थी कि दर्द बहुत होता है। अरे नहीं भाई, जो आपकी ललिता है ना उसको तो फूंक मारो ना तो जख्म हो जाता है। अरे फालतू की बात है, ना दर्द होता है ना परेशानी होती है। सही कह रहे हैं नंदू भैया, और तुम भी ना सारी औरतें बैठकर बेकार की गपशप में सारे अच्छे किए धरे पर पानी फेर देती हो। आप चुप रहिए, आजकल इनका बीड़ी गुटका बंद कर रखा है ना, इसलिए फालतू में बकबक किए जा रहे हैं। नंदू भैया आपने तो कमाल की बात कही, अब मैं ये चाय तो पीऊंगा बाद में, मैं अभी चला फौरन स्क्रीनिंग कराने के लिए। अरे रुको रुको पहले इधर बैठो फिर जल्दीबाजी, बात तो पूरी सुनो नहीं तो फिर कोई चीज बेचाओगे।